अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे माफ कर दीजिए, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ पापा जी, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। वक्त रहते सुधर जाओ वरना हमें मजबूरन कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। और ये तो तुमने पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी तुम कई बार ऐसी लापरवाहियां करती रही। रुचिता, क्यों इतना गिल्टी फील कर रही हो? कैसे ना करूं नहीं, आज आज मेरी एक गलती की वजह से पूरे परिवार की जान पर बनाए। अगर अगर किसी को मेरी वजह से कुछ हो जाता तो रिलैक्स रुचिता, रिलैक्स। अगर मेरी वजह से किसी को कुछ हो जाता तो मैं ये लो, तुम पानी पियो। देखो, हादसा हो सकता था पर हुआ तो नहीं, बल्कि तुमने तो सही वक्त पर दरवाजा खोलकर हम सबकी जान बचाई। देखो मेरी तरफ, मैं ठीक हूं, नीचे भी सब ठीक है, दादी भी ठीक, और जो होना था उसके बारे में सोचने से रोने से बेहतर है कि जो नहीं हुआ उसके बारे में सोच के स्माइल करें। चलो स्माइल करो, स्माइल प्लीज, स्माइल। गुड, अब चलो ले लिया, फटाफट कॉफी लेकर। मैं तुम्हारे पैसे भिजवा दूंगी, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? तो ये सब तुमने किया है? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो रुचिता? निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से। तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे परिवार पर हमला किया, उनकी जान लेने की कोशिश की, ये क्या बकवास कर रही हो तुम रुचिता? बकवास है या सर, इसका फैसला अभी हो जाए। इस नंबर पे कॉल करूंगी तो तुम्हारी सारी असलियत अभी बाहर आ जाएगी। लो, गया तुम्हारा सबूत। वैसे बहुत इंटेलिजेंट हो तुम रुचिता, तुम्हारा अंदाजा सही था, ये सब मेरा ही प्लान था। मारना नहीं चाहती थी किसी को, बस मरने की हालत में छोड़ के बचाने का नाटक करना था। तभी तो पूरे घर में पेस्ट का धुआं करके सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, और फिर वही बंद खिड़की को तोड़ के सबकी नजरों में महान बन गई। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है तो मेरे परिवार को बीच में क्यों ला रही हो अमृता? क्योंकि तुम्हें सिर्फ निहार की जिंदगी से ही नहीं, इस पूरे घर से बाहर निकालना है मुझे। तो परिवार तो बीच में आएगा ही ना रुचिता? आज देखा नहीं अंकल ने कैसे वार्निंग दी? बहुत जल्द तुम्हें घर से भी निकाल देंगे। आईना दिखाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? आओ मेरे साथ, देखो मिरर में, ये है मेरा आईना और मेरा होने वाला सच। तुम्हारे कल में ये सिंदूर नहीं,
बल्कि ये कालिक। इनने मुझे चुनौती दी थी, इसलिए चुपचाप तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त कर रही थी मैं अमृता। लेकिन आज आज तुमने मेरे परिवार पे वार किया जो मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। मैं अभी जाके पूरे परिवार को तुम्हारी सच्चाई बताने वाली। जाओ जाओ और जाके सच बता दो, मैं भी देखती हूँ तुम पे कौन भरोसा करता है। बहुत बड़ी गलती की अमृता ने आज। मुझे ये बात किसी को तो बतानी ही होगी, पर किससे कहूँ? रितु भाभी से ये बात कह नहीं सकती क्योंकि अमृता उनकी बहन है, उन्हें बहुत हर्ट होगा। दादी जी की तबीयत खराब है, माँ से कहूँ क्या? हाँ माँ को बता के आती हूँ मैं। अमृता थैंक यू सो मच बेटा, दिल से बोल रही हूँ। आज माँ जी की जान बचाकर तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना रुचिता की लापरवाही बहुत महंगी पड़ जाती माँ जी को। आंटी प्लीज आप थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैंने कोई महान काम नहीं किया है। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। सच कह रही थी अमृता, इस वक्त कोई मेरी बात नहीं मानेगा, सबको यही लगेगा कि मैं अपनी गलती छुपाने के लिए अमृता पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। अमृता का सच बाहर लाने के लिए मुझे कुछ और सोचना होगा। पिछले कलेक्शन की फोटोज इसी फोल्डर में तो सेव की थी, कहाँ गई? टाइम से कभी कुछ मिलता ही नहीं। मुझसे भी शादी कर लो निहार, मुझे भी अपनी पत्नी होने का हक दे दो। भरो मेरी मांग, मांग भरो मेरी निहार, भरो मेरी मांग। समझ में नहीं आता कि भगवान जी को मेरे से प्रॉब्लम क्या है। जिस लड़की से प्यार करता था उससे तो शादी हो नहीं पाई, और जिस लड़की को कभी प्यार कर नहीं सकता से शादी करनी पड़ गई। सर क्यों पड़ रहा है मेरा? सर दर्द हो रहा है निहार जी? नहीं नहीं मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। भाई मैं दबा देती हूँ। कोई बात नहीं निहार जी, मैं दबा दूंगी। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो। निहार जी को अमृता का सच बताना तो चाहती हूँ, लेकिन वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, कैसे कहूँ? सीरियसली रुचिता, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम हमेशा मेरी टेंशन दूर कर देती हो। यही तो मेरा फर्ज है निहार जी, आपकी हर तकलीफ को खुद पर ले लेना। तुम मुझ में बसा है ऐसे, पानी में जैसे तेरे साथ ही रहना चाहूं, दरिया में धार के जैसे। तुम मुझ में बसा है ऐसे, पानी में रंग हो जैसे, तेरे साथ ही रहना चाहूं, दरिया में धार के जैसे। तुम्हें निहार के करीब देखकर जो मुझे जलन हो रही है रुचिता, उसका दर्द मैं तुम्हें दूंगी।
रुचिता जी, पड़ोस की मिसेस सिंगला आई, मैं उनके साथ गार्डन में हूँ, चाय और पानी भिजवा दो। जी दादी जी। आदर्श बहू होने का फर्ज निभाना होता है ना तुम्हें रुचिता, लेकिन तुम भूल जाती हो कि अमृता तुम्हारे सामने खड़ी है। अब किसी और चीज की स्मेल आएगी नहीं। ओह, मैं कितनी स्टूपिड हूँ। सारे नॉब ऑन कर दिए तो रुचिता देखते ही समझ जाएगी कि गैस खुली है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं। आवाज गैस लीक होने की नहीं, मेरे जीत की खुशी की आवाज है। स्मेल कैसी है? ये तो कपूर की स्मेल है। अच्छा, लगता है राशन के सामान की स्मेल पूरे घर में ना फैले, इसलिए माँ और भाभी ने ये कपूर वाला लैंप जला दिया होगा। क्या करूं मैं, कैसे निकलूं यहां से? रुचिता ने गैस जलाई तो उसके साथ साथ आज मेरा भी डाटा बाय बाय हो जाएगा। ये लाइटर तो क्या हो गया, जल क्यों नहीं रहा? रुचिता रुको, मैं चाय बना देती हूँ, मुझे प्रतीक जी के लिए भी बनानी है। मैं उनके लिए भी बना देती हूँ भाभी। रुचिता मसाले वाली उनके टाइप की चाय चाहिए, मैं बना देती हूँ। तुम एक काम करो, तुम जाके स्टोर रूम से ना सिंगला आंटी के लिए मछलियाँ निकाल दो। जी, अब तक तो हो जाना चाहिए था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही सवाल तो मैं तुमसे कब से पूछ रही हूँ अमृता, कि तुम इस घर में क्या कर रही हो, लेकिन तुम इतनी बेशर्म हो कि इसका जवाब ही नहीं दे रही। खैर, इसका जवाब ना सही, बस इतना बता दो कि तुम यहाँ बैठ के कान पे हाथ रख के क्या कर रही हो। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ, तुम अपने काम से काम रखो ना और जाओ जाके चाय बनाओ। इसको कैसे पता मैं चाय बनाने जा रही थी? रुचिता, तुम रितु को देखा क्या? जी भैया, वो किचन में चाय बना रही है।
दी, क्या हुआ? भाभी आप ठीक है ना? क्या हुआ? पता नहीं, मैं चाय बना रही थी, ये बॉल कहाँ से आके लग गई। बॉल? दी आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मैं प्रिया के साथ खेल रही थी तो शायद वहीं से गलती से बॉल यहाँ आ गई होगी। लेकिन तुम तो सीढ़ियों पे बैठी थी। वो मैंने जस्ट खेलना शुरू किया था। भाभी आपके हाथ में मोच आ गई है, आप आइए मैं बाम लगा देती हूँ, प्लीज। ठीक है अमृता, तुम सबके लिए चाय बना दो। सबक तो मैं तुम्हें आज सिखा के रहूंगी रुचिता। निहार जी, वो निहार जी तो यहाँ है ही नहीं, मुझे लगा एक्सरसाइज कर रहे होंगे। मैं भी जरा देखूं ये वेट्स कितने हैवी होते हैं। ये लो, इससे भारी तो हमारी रसोई में सिलबट्टा होता। और ये, इससे भारी तो पानी की बोतल होती है। निहार जी बिना कितना दिखावा करते हैं। रुचिता, आप कब आए? जब तुम मेरे वर्कआउट को दिखावा कह रही थी। ये हल्के वेट से ना मैं वार्म अप करता हूँ, इन भारी वेट से मैं वर्कआउट करता हूँ। दिखाओ, लो पकड़ो। मोच तो नहीं आई ना? नहीं, लेकिन ये बहुत भारी है। बॉडी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती, ऐसे दिखावे से नहीं बनती। ऐसे क्या देख रही है? आपका नाम निहार है तो निहारूंगी ना। सीरियसली, इससे गंदा पीजे मैंने आज तक नहीं सुना। अब मैं आपके लिए प्रोटीन शेक लेके आती हूँ। निहार को निहारना। अमृता आंटी, आप ये क्या कर रही हो तुम? वो दरअसल आंटी, कल खाटू श्याम जी की वजह से आप लोगों की जान बची ना, तो मैं उन्हें थैंक यू बोलने के लिए उनकी 40-21 बार पढ़ रही हूँ और मैंने व्रत भी रखाया। लेकिन हमारी जान तो तुमने बचाई थी ना अमृता। कृपा तो खाटू श्याम जी की थी ना दादी। आंटी आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ? जब तक मेरी 40 पूरी ना हो जाए प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। नहीं बेटा, मैं कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम कर लो अपनी 40 का। जी चलिए। मुझे माजी, हम कितना गलत समझ रहे थे ना अमृता के बारे में। इसके रंग के साथ साथ इसकी सीरत भी कितनी साफ है। देखिए ना, कल इस लड़की ने हम सब की जान बचाई और आज कैसे पूजा पाठ कर रही है। पूनम, मैं तो शुरू से ही कह रही थी कि हमारे निहार के लिए ना रुचिता से बहुत बेहतर है अमृता। आइए चलते हैं।
फ्रिज की लाइट क्यों नहीं जल रही? बर्फ पे पिघल रही है, कहीं फ्रिज खराब तो नहीं हो गया? क्या हुआ रुचिता? अभी ही लगता है फ्रिज खराब हो गया है। आप ना किसी मैकेनिक को कॉल करके बुला लीजिए। फ्रिज खराब कैसे हो गया? स्विच तो ऑन है। चलो मैं मैकेनिक को कॉल करके बुला लेती हूँ, पर शाम हो रही है, पता नहीं इस टाइम वो आएगा भी कि नहीं। फिर भी तुम एक काम करो, तुम सारा सामान निकल कर बाहर रखो। ठीक है, मैं दूध भी उबाल देती हूँ, नहीं तो वो फट जाएगा, है ना? हाँ। फ्रिज का वायर निकाल दिया है, अब उससे मिलता जुलता वायर लगा दूंगी तो सबको लगेगा कि फ्रिज ऑन तो है लेकिन काम नहीं कर रहा। तुम्हें और निहार को इतनी आसानी से करीब नहीं आने दूंगी मैं रुचिता। तुम्हें उसकी जिंदगी से निकालने के लिए मैं कुछ भी करूंगी।